राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ बागी रुख अख्तियार कर सचिन पायलट फिलहाल भले ही कांग्रेस से दूर चले गए हों, लेकिन पार्टी में वापसी का रास्ता अभी भी उन्होंने खोल रखा है। हालांकि बीजेपी में जाने की संभावनाओं से पायलट पहले ही इनकार कर चुके हैं और गहलोत की चेतावनी और अनुशासनात्मक कार्रवाई के बाद भी वे नहीं झुके। सचिन पायलट कोर्ट की सियासी बाजी जीतने के बाद क्या आप कांग्रेस नेताओं को साधने में जुटे हैं? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिस तरह से सचिन पायलट को लेकर आक्रामक हैं, पर वैसा रुख पायलट नहीं दिखा रहे हैं। गहलोत को मुख्यमंत्री पद से हटाने की जिद भले ही पायलट पाले हो, लेकिन सार्वजनिक रूप से किसी तरह की कोई बयानबाजी करते नहीं दिख रहे हैं। कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व को लेकर भी कोई टिप्पणी पायलट ने नहीं की है, जबकि प्रदेश अध्यक्ष पद से लेकर डिप्टी सीएम तक के पद से हटा दिया गया है। गहलोत के खिलाफ भले ही बागी हों, लेकिन सचिन पायलट अब कांग्रेस को लेकर नरम होते नजर आ रहे हैं। राजस्थान में सचिन पायलट की जगह गोविंद सिंह डोटासरा ने बुधवार को प्रदेश अध्यक्ष पद की कुर्सी संभाली। इस मौके पर पायलट ने डोटासरा को प्रदेश अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने की बधाई दी। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि मुझे उम्मीद है कि आप बिना किसी दबाव या पक्षपात के उन कार्यकर्ताओं जिनकी मेहनत से सरकार बनी है उनका पूरा मान सम्मान रखेंगे। वहीं डोटासरा ने भी बधाई स्वीकार करते हुए ट्वीट किया, बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी, मुझे भी उम्मीद है कि आप बीजेपी और खट्टर सरकार की मेहमान नवाजी छोड़कर उन सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं जिनकी मेहनत से सरकार बनी है उनके मान सम्मान को बरकरार रखने के लिए जयपुर आकर कांग्रेस के साथ खड़े होंगे। कांग्रेस से बगावत करने के बाद सचिन पायलट ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से कांग्रेस के सिंबल हाथ को हटा दिया था, जिसके बाद काफी तरह की अटकलबाजी शुरू हो गई थी। कयास लगाए जा रहे थे कि पायलट बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन इसको लेकर पायलट ने कहा था कि वे बीजेपी में शामिल नहीं होना चाहते हैं। हाल ही में एक बार फिर से सचिन पायलट के फेसबुक पोस्ट में हाथ का निशान दिख रहा है। SPN9 न्यूज़ रूम से शालिनी झा की रिपोर्ट।